हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये कहानी पायल से शुरू होती है। एक छोटे से गांव में पायल रहा करती थी। पायल का एक बड़ा हंसता खेलता परिवार था। पायल के परिवार में पायल की मम्मी पापा और दो छोटी बहनें रहती थीं। सब कुछ सही चल रहा था, पर पायल के मन में हमेशा एक डर लगा रहता था, और वो डर था पायल के पापा, क्योंकि पायल के पापा पायल के साथ ऐसा कुछ करते हैं जिसे आप सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, दरअसल बात ये है कि पायल की माँ ने दूसरी शादी की थी। पायल के जो पहले पापा थे वो बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और 3 साल पहले ही पायल की माँ ने पायल की परवरिश के लिए आयुष नाम के लड़के से शादी कर ली। पायल की माँ की उम्र 37 साल थी और आयुष की उम्र अभी सिर्फ 26 साल की ही थी, पर पता नहीं किस कारण से आयुष ने पायल की माँ से शादी की थी। शायद उसने पायल की खूबसूरती की लालच में पायल की माँ से शादी की। जब पायल की माँ ने शादी की थी तब पायल सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन पायल इतनी कम उम्र के होने के बाद भी वो अपनी उम्र से कई ज़्यादा बड़ी दिखती थी। वो 17 साल की होने के बाद भी 24 साल की लड़कियों के सामने अपनी खूबसूरती से हरा सकती थी। पर पायल की माँ शोभा को क्या पता था कि उनका सौतेला पति ऐसी गिरी हुई हरकत कर देगा और एक बाप बेटी के रिश्ते को तार तार कर देगा। और शायद अगर सगा बाप होता तो वो ऐसा कभी ना करता, पर वो तो रिश्ते में उसका सौतेला बाप था। उसकी मर्यादा किसी हद तक भी जा सकती थी, क्योंकि वो बहुत ही गिरा हुआ नीच किस्म का आदमी था। पायल अब 20 साल की जवान हो चुकी थी और वो अपनी दो बहनों के साथ रहती थी, जो कि उसकी सगी बहन नहीं थी। वो दोनों तो उसके सौतेले बाप की बेटी थीं। एक दिन की बात है, पायल कमरे में अकेले बैठी हुई थी कि तभी आयुष यानी कि उसका सौतेला पिता वहाँ आया और पायल के बगल में बैठकर या गलती से उसे छूना शुरू कर दिया। अब ये वो जानबूझकर कर रहा था या अनजाने में, ये नहीं पता, पर उसने गलत तरीके से पायल को छूना शुरू कर दिया। ऐसा कई दिनों से आयुष पायल के साथ कर रहा था, पर आज तो हद ही पार हो गई। पायल को लगा वो अब किससे बताए, और इधर आयुष का इस तरह पायल को छूना हद से पार चला गया था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, और एक दिन ऐसा आया, पायल की माँ दोनों बहनों को लेकर उसके नानी के घर चली गई। पायल के नानी के घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, और जब उसकी माँ ने दूसरी शादी की थी तो पायल के मामा लोगों ने बहुत मना किया था कि वो ऐसा ना करें, लेकिन पायल की माँ ने ज़बरदस्ती उनके खिलाफ जाकर आयुष से शादी की थी। पायल के मामा नहीं चाहते थे कि आयुष से वो शादी करें। अब घर पर बेचारी पायल अकेली थी। वो अपने कमरे में बैठी थी कि तभी पीछे से आयुष आया और दरवाजे की कुंडी बंद कर दिया। पायल तो बिल्कुल घबरा गई। वो समझ चुकी थी कि आज अपनी हदें वो पार कर सकता है। ऐसा उसने पहले कई बार किया था, पर पायल बेचारी अपनी सोच समझ से उससे बच जाया करती थी। पर वो बेचारी तो आज घर पर बिल्कुल अकेली थी। आज उसकी माँ, जो उसकी हमेशा रक्षा करती थी, वो भी घर पर नहीं थी। वो तो अपने मायके गई हुई थी, पर आज बेचारी बिल्कुल अकेली पड़ गई। पर आज आयुष को पूरा मौका मिल चुका था बेचारी पायल को बचाने वाला कोई नहीं था, पर पायल घबराई नहीं, वो डट कर बैठी थी बिना डरे। और जैसे ही आयुष ने इधर उधर हाथ लगाना शुरू किया और उसके साथ बदतमीजी करना शुरू किया, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस वजह से आयुष थोड़ा घबरा गया और वो पायल का मुंह बंद करने लगा। लेकिन पायल आज पता नहीं कहाँ से पायल में इतनी ज़्यादा हिम्मत आई और उसने ज़ोर का धक्का दिया और आयुष दरवाजे से जा टकराया, और फिर पायल ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और जब पायल की चीख निकली तो आयुष का हौसला टूटने लगा और वो गंदे कारनामे करने में असफल रहा। और जैसे तैसे एक दिन पायल ने अपने कमरे को बंद कर कर गुजारा, और दूसरे दिन जब शोभा घर पर आई यानी पायल की माँ घर आई, तो पायल ने अपनी माँ से ये सारी बातें बताईं। पायल की माँ इस बात को सुनकर हैरान रह गईं कि आज उसने बाप बेटी के रिश्ते को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और अगर ये सारी बातें किसी को बाहर पता चले तो हमारी इज्जत का क्या होगा, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। और पायल की माँ मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है और कहती है, अगर मैंने आयुष से शादी ही ना की होती तो अच्छा होता। और जब पायल की माँ आयुष से बात करने गई
तो उसने पायल के साथ ऐसा नहीं किया है, ये कहकर वो आयुष की माँ को झूठ बोल रही है ऐसा कहने लगा। लेकिन असली सच तो ऊपर वाले ने देखा था। आयुष ऐसा करके शोभा से तो बच सकता था, पर ऊपर वाले से कभी नहीं। उसने जैसी हरकत की थी उसका अंजाम उसे ऊपर वाला ज़रूर देगा। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन नशे की हालत में आयुष घर आया। उसने नशे की हालत में पायल की माँ को बहुत मारा, इतना मारा कि उनका एक हाथ टूट गया। और अब पायल की माँ आयुष से तंग आ चुकी थी। वो अपनी किस्मत पर रो रही थी कि पहला पति मिला वो तो शराबी, और ये दूसरा मिला तो ये तो ऐसा आदमी है जो अपनी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश में है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आयुष जब सारा दिन इन्हीं सब गलत कामों में बिताता है तो क्या देखकर आयुष की माँ ने उससे शादी की थी, आखिर घर का खर्चा कैसे चलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आयुष के पिताजी ज़मींदार थे और शहर में आयुष के कई मकान किराए पर चलते थे, जिस वजह से आयुष को पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। पर ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा जब वो आदमी रिश्तों की ही इज्जत ना करे। आयुष को पैसों का बहुत घमंड था और वो उन पैसों पर ही आज पायल को अपनाना चाहता था, जिसे शोभा जी कभी होने नहीं देती। और आज जैसा आयुष ने किया था उसका जख्म शोभा जी के दिल में बस गया था और वो अब घर छोड़ने का फैसला कर लेती हैं। और कोई भी माँ अपनी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता नहीं देख सकती है। और अगले ही दिन जब आयुष घर पर नहीं था तब शोभा ने पायल और उन दोनों बेटियों को लिया, अटैची में दो जोड़े कपड़े रखे और वहां से अपने मायके यानी पायल के नानी के घर चली आईं। और अब पायल ने सोचा था शायद अब उसकी ज़िंदगी सही चलने लगेगी, लेकिन समाज वाले कहां किसी को अच्छे से जीने देते हैं। और जब एक जवान औरत अपना घर परिवार छोड़कर मायके आ जाती है तो आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ पायल की माँ शोभा के साथ भी हो रहा था। आस पड़ोस के लोग उसे और उसकी बेटियों को ताना सुना रहे थे और आस पड़ोस के लोगों ने पायल के मामा को भड़काना शुरू कर दिया। फिर उन लोगों की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आया कि पायल के मामा ने समाज वालों के चढ़ावे पर पायल के पूरे परिवार को घर से भगा दिया और वो सब सड़क पर आ गए। अब पायल की माँ आयुष के पास वापस भी नहीं जा सकती थी, पर उसने फैसला किया कि अब वो खुद इतनी मजबूत बनेगी कि वो अब अपने बच्चों की परवरिश खुद करेगी। अब पायल की माँ ने ये सोच लिया था कि अब वो किसी के सहारे नहीं रहेगी। और दोस्तों, हर औरत को ऐसी ही सोच रखनी चाहिए ताकि ये दुनिया आपको मजबूर ना करे। किसी भी औरत को मजबूर नहीं होना चाहिए। और उस दिन पायल की माँ शोभा ने लोगों को घरों में काम करना शुरू कर दिया, लोगों के घरों में बर्तन मांजने शुरू कर दिए और पायल को और उसकी दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया। पायल डॉक्टर बनना चाहती थी, पर उसकी माँ इतने पैसे नहीं कमा पाती थी जिससे उसके पढ़ाई का खर्चा उठा सके। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, अगर सच्ची लगन से किसी चीज़ को चाहने की कोशिश करो तो वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। किसी ने बताया कि पायल का दाखिला आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में करवा दीजिए, जहाँ पर स्टूडेंट अगर अच्छा होता है तो उसकी सारी पढ़ाई मुफ्त करा दी जाती है। और पायल को पढ़ने का शौक भी था, और जब उसकी माँ ने वहाँ पर एडमिशन करवाया तो सिर्फ 4 साल के अंदर ही पायल ने डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। पायल चाहती थी कि वो डॉक्टर बनकर उस आदमी के ऊपर ऐसा थप्पड़ मारे जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसने बाप बेटी के रिश्ते को समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। कभी कभी तो पायल को सिर्फ रोटी और नमक खाकर ही सोना पड़ता था, लेकिन इस पीड़ा भरी ज़िंदगी में उसने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा और पढ़कर वो डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बनने के बाद पायल की एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी लग गई, जहां पर उसको सैलरी 50,000 मिलने लगी। अब पायल की माँ को जैसे ही पता चलता है कि पायल की नौकरी लग गई है, उनको खुशी से आंसू निकलने लगते हैं। और पायल अब जैसे ही अच्छे पैसे कमाती है, वो अपने दोनों छोटी बहनों को और अच्छी पढ़ाई करवाना शुरू कर देती है। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ साल बाद पायल ने एक अच्छे से लड़के से शादी कर ली, जिसका नाम राहुल था। राहुल भी डॉक्टर था और वो पायल से बहुत प्यार करता था। और अब पायल का ज़िंदगी पहले जैसा हो जाता है। शोभा जी भी अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी जीने लगती हैं, उनकी भी ज़िंदगी में पहली जैसी खुशियां आ गईं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कभी किसी औरत को कमज़ोर नहीं होना चाहिए और हर मुसीबत का सामना डट कर करना चाहिए।